सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार कहीं कथा चल रही थी और उस कथा में व्यास जी वर्णन कर रहे थे कि भैया जो भगवान होते हैं, जो प्रभु होते हैं, जो माँ जगत जननी दुर्गा होती हैं, वो जब संसार में अवतार लेकर आते हैं तो उनकी जो पलकें होती हैं वो पलकें लपकती नहीं है, झपकती नहीं है। जो भगवान होते हैं उनकी पलकें जैसे हमारी आपके ऊपर नीचे होती हैं ना, उसी नहीं होती है। पैर भी पृथ्वी से नहीं लगा होता, ऊपर ही रहता है। ऐसे दिव्य कथा गा रहे थे, कोई चोर, उसके पीछे पुलिस पड़ी थी और वो भी उस कथा में आकर के बैठ गया। प्रेम से बोले राधे राधे, और वो भी उस कथा को सुन रहा था। आया पल भर के लिए ही, पर उस कथा को उसने सुन ली कि जब प्रभु आते हैं, परमात्मा होते हैं, जो प्रकट होते हैं तो आंखें नहीं झपकती हैं, पलकें, आंखों की जो पलकें होती हैं ऊपर नीचे नहीं होती, पैर ऊपर होते हैं। और जब पुलिस वहां से चली गई तो उठकर वो भी चला गया। पर दरोगा जी को मालूम पड़ा कि जो चोर है, जिसे हम पकड़ने के लिए इतने दिन से परेशान हैं, ये काली जी का बहुत बड़ा भक्त है। परम से बोले राधे राधे। तो आज दरोगा जी ने काली जी का रूप बना लिया उसे पकड़ने के लिए और पहुंच गए। ज्यों ही द्वार खोला, भगवती को देखा तो चरणों में लोटपोट हो गया। और आज काली माता कहती हैं, काली जी के बेस में दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि भैया हम तुमसे प्रसन्न नहीं हैं। क्यों? चोर ने पूछा, क्यों आप प्रसन्न नहीं हैं, मैं तो आपका भगत हूं। तो काली माता ने कहा, तुम बहुत बड़े अपराधी हो, तुम चोर हो, सच सच बताओ तुमने चोरी की कि नहीं की। उसने बड़े ध्यान से देखा, अरे ये जो काली माता मेरे सामने प्रकट है इनकी तो पलकें झपक रही हैं। और इस दिन तो कथा में वो व्यास जी बतला रहे थे कि जो प्रभु होते हैं, परमात्मा होते हैं, हैं माँ होती हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती हैं और इनके तो पैर भी जमीन से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। उसने कहा, वैसे तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए पर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रेम से बोले राधे राधे। दरोगा जी को भी लगा कि अपने इष्ट से तो झूठ बोलेगा नहीं, मुझसे तो एक बार बोल सकता था। उन्हें भी विश्वास हो गया, वो वापस चले गए। तो कथा एक पल के लिए भी यदि हम श्रवण कर लें, कथा की कौन सी ऐसी बात हमारे जीवन में लग जाए जो हमारा कल्याण कर सकती है। वो चोर था, पुलिस का भय था, पल भर के लिए कथा पंडाल में घुस गया और पुलिस से बच गया है? तो पल भर की कथा भी प्रभु चरणों तक पहुंचा सकती है। उस चोर को प्रबल वैराग्य हो गया कि देखो पल भर के लिए मैंने कथा सुनी और मैं पहचान गया, आज बच गया, कारागार होने से, जेल में जाने से बच गया। उसका जो घिनौना कृत्य था पल भर में उसने छोड़ दिया और भगवत शरणागति ले ली। तो कथा की दिव्य महिमा है प्यारे।